से होता है। तो आपने क्या करना, सब हर बैंक की क्या होती है एक ब्रांच कोड होता है, ठीक है, आपने ब्रांच कोड सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये ब्रांच कोड मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, जैसे मेरा बैंक अकाउंट नंबर है 6040226090800014, ठीक है। तो ये 16 डिजिट का मेरा बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक IBM नंबर जनरेट हो जाएगा। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पर देख सकते हैं, पहले जो दो डिजिट्स हैं ये कंट्री कोड बता रहे हैं आपको, ठीक है। फिर 98 चेक कोड है, उसके बाद BPUN जो है ये क्या शो कहते हैं बैंक कोड है ये वाला, ठीक है। और उसके बाद जो आगे वाला अकाउंट नंबर है वो मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है। तो